हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉप एंड ट्रेंडी। तो दोस्तों, आज का यूट्यूब चैनल उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो नए नए यूट्यूब चैनल को शुरू करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ एक स्टेप्स बताऊँगा। तो जब आप यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने से पहले वीडियो को कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। जैसे कि जब आप यूट्यूब वीडियो आप अपलोड करने वाले हैं, तो अपने आप जो आपका जो वीडियो है उसका एक यूनिक नेम जरूर रखें। जैसे कि मैंने यह टॉपिक या टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल आर्ट का बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए और इस तरह का होना चाहिए कि लोगों को उस टॉपिक को देख के समझ आ जाए कि आप इस वीडियो में क्या दिखाना चाहते हो। अगर आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, तो सामने वाला ज़रूर आपके कंटेंट को देखेगा। पर ध्यान हमेशा रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका टॉपिक कुछ और हो, टाइटल कुछ और हो और वीडियो में कुछ और ही चीज़ दिखाई जा रही है जो कि आपके टॉपिक या टाइटल से मैच नहीं करती। तो वो भी ऐसा मत करना। जो भी आप वीडियो बना रहे हो, आपका टाइटल उससे बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या आती है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो आप वीडियो दिखाने वाले हो, उसके अंदर ब्रीफ डिटेल दे सकते हो कि एक्चुअली आप इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें दिखाने वाले हो। जैसे कि मैंने कुछ एक यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं दोस्तों, अगर मैं अपना डिस्क्रिप्शन आपको दिखाऊँ, तो ये यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन वीडियो जो मैं दिखाने वाला हूँ उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उस तरह से आप भी अपनी वीडियो का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखें, ताकि उस डिस्क्रिप्शन को देखने बाद जो व्यूअर है वो उसकी जानकारी को पूरी तरह समझ पाए और उसको ईजीली उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाए आगे जाके, और उसको अच्छी तरह पता चल जाना चाहिए डिस्क्रिप्शन से कि आप इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हो। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे थर्ड स्टेप आता है, टैग्स लगाना। दोस्तों टैग्स आपको पता ही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी वीडियोस के लिए। तो आप अपने वीडियो से मैच होते हुए टैग्स ज़रूर ढूंढ लें और उनको आप जैसे मैंने लिख कर रखें, आप भी उसे एक एक, एक जगह लिख के रख लें। तो ये टैग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन टैग्सों को कैसे ढूंढा जाता है, टैग्स कैसे सर्च करे जाते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी उसके ऊपर एक इस तरह का यूट्यूब वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि टैग्स किस तरह लगाए जाते हैं, किस तरह ढूँढे जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है थंबनेल बनाना और थंबनेल लगाना। तो दोस्तों थंबनेल अगर आपको बनाना आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा थंबनेल बनाने के ऊपर। दोस्तों इसमें नेक्स्ट स्टेप था थंबनेल लगाना। तो बना तो दोस्तों आपने लिया है, नेक्स्ट स्टेप रहता है थंबनेल लगाने का। तो हम थंबनेल कैसे लगाएंगे मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊँगा। और उसके बाद लास्ट में आता है एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो यूट्यूब के द्वारा दिया जाता है, और वो कैसे लगाते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर दिखाऊंगा लाइव। दोस्तों अपना हम यूट्यूब अपलोड कर पे यूट्यूब पे अपना ये जो वीडियो मैं लगाने वाला हूँ इसको हम लोग अपलोड करते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं आपको स्टेप वन से बताऊंगा, और आपको लाइव दिखाऊंगा भी आप कैसे कैसे अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमने यूट्यूब की वेबसाइट भी खोल रखी है। तो दोस्तों आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आएगा क्रिएट, तो हम लोग क्रिएट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड वीडियो। अपलोड वीडियो दोस्तों हम लोग क्लिक कर देते हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल जो मेरा है मैंने उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो आप भी अपलोड करने से पहले अपने YouTube चैनल के थ्रू YouTube के अंदर लॉगिन कर लेना। तो दोस्तों हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है वीडियो अपलोड करने की। तो दोस्तों हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फोल्डर ओपन हो जाएंगे, तो आपका वीडियो जहाँ भी आपने जिस भी फोल्डर में सेव करा हुआ है आप उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट कर देंगे।
तो दोस्तों देखिए हमारे सामने फोल्डर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट कर देता हूँ जिसके अंदर ही मेरी वीडियो मैंने सेव कर रखी है। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। दोस्तों अब देखो, अब नेक्स्ट हमारे सामने जो विंडो आती है वो इस तरह से ओपन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल है, डिटेल में आपने दिखा हुआ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टाइटल। टाइटल आप जब भी अपना कोई वीडियो डालेंगे तो जो आपका लास्ट वीडियो आपने अपलोड किया है ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट वो टाइटल दिखाएगा, तो आप उसको डिलीट कर दें। और जो आपने नया टाइटल बनाया है आप वो उसको यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, या आप टाइप भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी वर्ड फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखी हुई हैं, तो आप भी ऐसे वर्ड फाइल के अंदर टाइप करके रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते चलिए यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो साइज बता रहा है टाइटल का वो 100 होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमारा टाइटल वाला जो कॉलम है वो फिल हो चुका है। और नेक्स्ट है आइकन डिस्क्रिप्शन का, तो डिस्क्रिप्शन में हमने पहले से ही लिख के रखा हुआ है, तो हम इसको सिर्फ यहाँ से कॉपी और पेस्ट करके वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा हमारा डिस्क्रिप्शन भी पूरा आ चुका है। अब बात आती है थंबनेल लगा लेंगे, तो थंबनेल कैसे लगाते हैं दोस्तों, आप यहाँ देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है थंबनेल का। तो हम यहाँ पे आप फर्स्ट देख रहे हो यहाँ पे अपलोड थंबनेल नाम से एक एक स्पेस दिखा रहा है हमें, जहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, हमें इस जगह पर क्लिक करना है। और दोस्तों हमने ऑलरेडी अपना थंबनेल बना रखा है, तो हमें जस्ट उस थंबनेल को यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो दोस्तों देखिए आपका थंबनेल यहाँ पे लग चुका है। कुछ एक यहाँ पे दोस्तों और भी ऑप्शंस आते हैं, उनको भी आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे शो मोर, जब आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हम लोगों को अपने टैग डालने हैं। तो जो आपने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था बाय डिफ़ॉल्ट ही उन टैगों को दिखा रहा है, पर अब हम यहाँ पे अपने नए टैग डाल देंगे जो हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग हमने बना रखे हैं। दूसरा तरीका बहुत ईजी है, आप टैगों को पहले से ही कहीं ना कहीं टाइप करके लिखिए, जैसे मैंने वर्ड फाइल में ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं। तो मैं बस दोस्तों यहाँ से इनको कॉपी और पेस्ट करता रहूँगा और इस सारे टैग हमें वहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा वहाँ जाके, इससे हमारा टाइम बचेगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको इन टैग्स को यहाँ से कॉपी पेस्ट करते चलना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी जिसको हमको सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों हमारी वीडियो की यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तो हम यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर देंगे। रिकॉर्डिंग डेट लोकेशन, ये दोस्तों हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें डिटेल में फिल कर दी हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, अब यहाँ पे ऐड एंड एंड स्क्रीन जो ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है, तो दोस्तों हमें इस पर ऐड कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी, जब हम लोग अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन लगाए तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले आता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ एक हमें ऑप्शन दे रखे हैं हम एंड स्क्रीन पे क्या क्या किस तरह का
लेआउट या फॉर्मेट या डिज़ाइन लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम लेटेस्ट वीडियो, और यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पे तो एक वीडियो और एक सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब का आइकन दिखाई देगा। और अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हम एक साथ दो वीडियो के लिंक लगा सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट रहती है और एक सब्सक्राइबर रहता है, उसके पास दोस्तों नीचे भी कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक वीडियो और एक सब्सक्राइबर का बटन, तो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे दो चीज़ें मिल रही है, एक तो मेरे पास सब्सक्राइबर बटन मिलेगा लास्ट में, और एक मिलेगी अपनी वीडियो जो मुझे लगानी है। ये दोस्तों हमारी है सब्सक्राइबर बटन। ये कहाँ से शो होना चाहिए दोस्तों, ये आप देख लें, टाइमलाइन दे रखी है कि हमें कहाँ शो होना चाहिए। ये तो ये हमारे हाथ में, हम इस बटन को कहाँ से दिखाना चालू करते हैं। तो दोस्तों मैं इसका यहाँ पे टाइमिंग डाल देता हूँ, सिक्स फोर्टी। दोस्तों देख रहे हो जैसे ही हमारी वीडियो 6 मिनट 40 सेकंड तक पहुंचेगी, जैसे 6 मिनट 40 सेकंड जाती है ये वाला आइकन हमें विजिबल हो जाएगा हमारी वीडियो के एंड में। अब हमें लगानी दोस्तों यहाँ पे अपना एक वीडियो, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, चूज फ्रॉम वीडियो। अब ये दोस्तों यहाँ पे हमें एक लिस्ट दिखा दी यहाँ पे, जो हमारी लास्ट वीडियो जो भी हमने वीडियो अपलोड कर रखे, तो हम यहाँ से कोई भी एक वीडियो लगा सकते हैं जो हमें लगानी, हम लोग लगानी चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को लगाना चाह रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और ये वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिंक आ चुका है। तो ये वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ 640 से स्टार्ट करूँगा दिखाना। तो दोस्तों हमारा कुछ ही इस तरह से दिखेगा हमारा एड स्क्रीन। दोस्तों हमने अपने एड स्क्रीन दोनों कंप्लीट कर लिए, हम इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहां से नेक्स्ट करना है। दोस्तों हम थर्ड विजिबिलिटी ऑप्शन पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमने ऑप्शन बाय डिफॉल्ट पब्लिक सेलेक्ट कर ही रखा है, वो उसके बाद और कुछ ज़्यादा चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे है नहीं। अब हमें यहाँ से अपना वीडियो पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट में कुछ ही इस तरह का एक विंडो और आता है हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैं फेसबुक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखो हमारा फेसबुक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपने वीडियो के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने चैनल के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन लिख दी है। अब मुझे यहाँ से इसको कर देना है पोस्ट टू फेसबुक। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा वीडियो अपलोडिंग का प्रोसेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और ये हमारा वीडियो पब्लिश हो चुका है। दोस्तों ये प्रोसेस जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो आप ज़रूर फॉलो करें। आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और नॉलेज वाला लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई नॉलेज वाला लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप मुझे मेरी वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं।